गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे और आज मैं उसको पूरे दिन के लिए डेट पे बाहर लेके जाने वाली हूँ। सो मैंने एक प्लान बनाया है जहाँ पे मैंने दो चिट्स रखे हैं उसके लिए। बेसिकली एक छोटा सा गेम प्ले करूंगी, उसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं उसको सिर्फ सिलेक्ट करने बोलूंगी दोनों में से एक ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड सो एंड सो। सो अकॉर्डिंगली वो जब वो चिट सिलेक्ट करेगी तो वही डिश हम आज खाएंगे। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस डे एंड ऑल्सो बर्थडे है तो केक कट तो होगा। सो गाइज स्टे ट्यून विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सो गाइज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं पहुंच गई हूँ प्रशांत होटल विच इज इन बैंगलोर ईस्ट। लोकेशन का लिंक में डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखते हैं अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड कब तक आती है, मैं उसके लिए वेट कर लेती हूँ। तब तक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रशांत होटल मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेस्टोरेंट रहा है हमेशा से। लाइक बचपन से ही मुझे यहाँ का जो है कुछ डिशेज बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली ही दो आइटम सर्च करके रखे हैं उसके लिए, दो चिट्स बना के रखे हैं। तो लेट्स सी कि आज वो क्या सिलेक्ट करती है ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये फाइनली ये आ चुकी है। तो मेरे से गुस्सा है क्या? हाँ तो क्यों? तो सब लोग ने मुझे बोला, मम्मी बोली अभी तक तुम्हारी कॉल करी नहीं की है। अरे तो सच में सच में मुझे, मैं आधे घंटे भी जगी थी पर मुझे ऐसा लगा कि हो गया, मतलब लोगों को लगा अभी 12 बजे अभी बजे गिर गए ठीक से नहीं आएंगे तो वॉइस मैसेज भेजा था मुझे। क्यों? वो गाना गाती हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा करके। ओह क्या जब भी क्वेश्चन कर रही हूं आंसर दे रही है इसमें वॉइस नोट में। वाली सही है, तेरा सही जा रहा है। तो पाई नहीं तो किया मेरे तरफ से ऐसा चमक देगी ना उल्टा ऐसा, जितने भी रिंग्स हैं उतने सारे गाल खा लेंगे। ये ले चॉकलेट दे रही है, कुछ मत हो जा। जैसे एक पापा की तरफ से और एक मेरी तरफ से, पापा की तरफ से ही दोनों रहेंगे तेरी तरफ से लगता है। कुछ भी सच्ची में मेरे तरफ से ही है, मैंने ही उनको याद दिलाया कि चॉकलेट लेके जाना चाहिए और डार्क चॉकलेट मैंने लिया क्योंकि तुझे डार्क चॉकलेट पसंद है इसीलिए। तो सोनल तू मेन्यू क्या देख रही है, क्या मंगाना ये देख रही है क्या? आज तेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि क्या मंगाना है। आज मैं तेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलने वाली हूँ जिसमें मैंने तेरे लिए दो चिट्स बना के रखी है, तो ये दोनों में से तुझे सिलेक्ट करनी है एक और उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ वही डिश मंगाने वाले हम लोग। सो लेट्स गेस, जल्दी से लेंगे। ओ डोसा, तो हम लोग आज डोसा खाने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस योर कम्स आर डोसा, हम लोग ने यहाँ पे पेपर चीज डोसा मंगा लिया है। हम लोग ने मसाला वाला नहीं मंगाया क्योंकि हम दोनों को भी मसाला डोसा नहीं पसंद। सो जस्ट हैव अ लुक। चलिए अभी हम लोग खा लेते हैं इसको। सो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं, तो चलो फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। यम्मी। चलिए हम लोग डोसा खत्म कर लेते हैं उसके बाद में। सो गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले बाहर सोनल के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज मैं क्या गिफ्ट लेने वाली हूँ उसके लिए। सो गाइस सोनल को चाहिए था ये सैंडविच मशीन, तो मेरी मम्मी ने उसके लिए ये गिफ्ट लिया है। उसने बोला कि सेम डे बर्थडे के दिन जाके खुद उसके साथ जाना और जो सोनल को पसंद है वही वाला सिलेक्ट करके लेना, इसीलिए हम लोग ने आज ये सिलेक्ट किया है सोनल ने। एंड मैं अभी इसको ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो जस्ट हैव अ लुक। अभी हम लोग एक शॉप में आए यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए। तो गाइस हम लोग ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे सामान जो है वो बास्केट में डाल दिए हैं। सो लेट्स गो नाउ। सो गाइस अभी हम लोग मेरे घर पे आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने वाले हैं। हम लोग ने ये हर्षी मिल्कशेक मंगाया, तो हम लोग ये पी लेते हैं। अभी ये ख़त्म होने के बाद हम लोग लंच पे क्या ऑप्शन रखने वाले और ये क्या सिलेक्ट करने वाले वो देखने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं। सो गाइज इट्स लंच टाइम और मैंने यहाँ पे दो चिट्स निकाल लिया है, तो चलो देखते हैं कि अब ये दोनों से क्या सिलेक्ट करने वाली हैं। सोनल यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं लंच के लिए, कौन सा वाला चाहिए देखो। मतलब अभी तेरे लिए पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा मुझे। तो चलो अभी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोग चलते हैं किचन में। तो गाइस राइट नाउ मैं मेरे किचन में हूँ और सबसे पहले मैं फ्राई करने वाली हूँ ये चिकन एंड चीज नगेट्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम तो पिज़्ज़ा खाने वाले थे लेकिन ये क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग चिकन पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। बाहर से अलग से चिकन लाओ बनाओ ये सब बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम लोग ये एकदम इंस्टेंट वाला नगेट्स लेके आए हैं। हम लोग इसको फ्राई करेंगे और इसको टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा के। सो लेट्स फ्राई दिस फर्स्ट। इसके लिए मैंने ये जो पैन है ये इसमें तेल जो है गर्म करने रख दिया है। सो यहाँ पे ये गर्म होने के बाद इसके अंदर हम लोग ये डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं ये नगेट्स इसमें फ्राई कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये उड़ता है। ओह गॉड क्या क्या करना पड़ता है इस फ्रेंड के लिए। ये फ्राई हो जाने के बाद मैं दिखाऊंगी। सो गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है फ्राई करने के लिए, इसलिए सोनल मुझे हेल्प कर रही है ये फ्राई होने के लिए। तो ये सब होने के बाद हम लोग पिज़्ज़ा का जो रेसिपी है मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। तो गाइज जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग ये पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये बेस के लिए इसमें मेयोनीज़
और टोमेटो केचप ऐड किया है और उसमें मैंने ऑरेगनो चिली फ्लेक्स भी डाला है। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो वो डायरेक्टली आप डाल सकते हो। एंड इसके लिए मैं यहाँ पे डबल चीज़ बर्स्ट बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी यूज़ किया है एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अमूल चीज़ क्यूब। यहाँ पे ये है पिज़्ज़ा बेस एंड सो ये एकदम सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का हम लोग पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट मेकिंग द पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले जो ये मेयोनीज और टोमेटो सॉस का मैंने बेस बनाया था वो मैं मेरे ये पिज़्ज़ा पे लगा लेती हूँ। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे प्रॉपर से, एकदम कॉर्नर भी अच्छे से स्प्रेड करने का, क्योंकि क्या बाहर के जो पिज़्ज़ा ये लोग बनाते हैं वो लोग से साइड साइड में लगाते नहीं है, तो फिर हम लोग वो साइड्स जो है वो फेंक देते हैं तो मज़ा नहीं आती ना, तो इसलिए हम लोग जब घर पे बनाते हैं पिज़्ज़ा तो अच्छे से बाजू से भी लगा लेते हैं ताकि अच्छे से ये लगे। फिर जैसे ही ये हो जाएगा, तो जैसे मैंने बताया कि मैं चीज़ बर्स्ट बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं ये जो मोज़रेला चीज़ है वो डालने वाली हूँ इसमें। ये बहुत सारा चीज़ इसमें जाएगा पहले, इसमें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हम लोग मोज़रेला चीज़ डाल लें। पिज़्ज़ा बने और इसमें चीज़ की कंजूसी करोगे तो क्या ही मज़ा आएगा, इसलिए मेरे को पिज़्ज़ा हो तो बहुत सारा चीज़ डालने को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ इसमें डाल रही हूँ। तो जैसे ही ये चीज़ हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो नगेट्स हम लोग ने फ्राई किया है वो इसके ऊपर हम लोग डालने वाले हैं। ये नगेट्स मैंने लिए तो ये डायरेक्टली तो मैं इसमें नहीं लगाने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ उसको कट करके लगाऊँ, तो इसे मैं तीन पीस में डिवाइड करने का सोच रही हूँ। तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ एंड उसको अरेंज करती हूँ, तो ये अच्छे लगेंगे दिखने में भी और खाने में भी मस्त, इसमें छोटे छोटे बाइट्स आएंगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो इतने मज़े लगे ना, यस ठीक है। ये हो जाने के बाद इसमें अभी मैं डालूंगी ऊपर से ये चीज़ अमूल चीज़, ऊपर से मैं ग्रेट करके डालूंगी। तो गाइस ये अमूल चीज़ जो है मैं ऊपर से डालने वाली हूँ, उसे अच्छी तरह से घिस घिस कर डालेंगे। और जो है होम मेड चिली फ्लेक्स बना के रखा है हम लोग भी ऊपर से डाल देते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है। सो दिस इज़ डन। सो गाइस ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, अभी इसको मैं पैन में डाल के इसको थोड़ा बेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है एंड इसको ऑन कर लेते हैं मैं बटर की तरफ। सो गाइस अभी अमूल बटर है मैं मस्त से ये पैन में लगा लेती हूँ, अच्छी तरह से चला देते हैं ताकि अपना जो टेस्ट होगा पिज़्ज़ा का वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो अभी जैसे हम लोग ने पिज़्ज़ा बनाया है तो हम इसका डाल देते हैं। अभी ये पिज़्ज़ा मैंने थोड़ी देर के लिए बेक करने रखा है, ऐसा सच कुछ कुक करने के लिए नहीं है उसमें, सब कुछ रेडीमेड ही है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक ही हमें इसे पकाना है और अच्छे से नीचे से बेस को क्रिस्पी करना है, उसके बाद हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। सो गाइस हम लोग का ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, तो अभी पिज़्ज़ा बना लिया तो हो जाए पिज़्ज़ा चैलेंज। नहीं मैं साथ पिज़्ज़ा चैलेंज नहीं करने वाली, मुझे पता है तू ही जीतेगी, खा खा के एकदम मस्त। नहीं अरे यार ठीक है, चलो हम लोग ये पिज़्ज़ा ख़त्म करते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। कैसा लग रहा है तुझे मेरा पिज़्ज़ा? ठीक ही बना है, क्या कर सकते हैं, बनाया तो खाना तो पड़ेगा। अच्छी लड़की है, इतना मेहनत की मैंने बनाने के लिए, और इसको देखो ठीक ही लग रहा है। ओके बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है पिज़्ज़ा, इसको ना अच्छा लग रहा है लेकिन बोलना नहीं है इसको। ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची में ऐसा ही है। ओके ओके आउट ऑफ 10 जो तुझे मेहनत की, देखो कुछ मेहनत नहीं की है, उसमें ज़्यादा मेहनत की इंसान हूँ मैं। कौन हो तो लोग इस दुनिया में जबरदस्ती खा रही हूँ मैं, कुछ भी ना अगर तुझे अच्छा लगे हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं सभी। सो गाइस मैं अभी सोनल को बाहर लेके जाने वाली हूँ, उसके लिए मैं ये दो ऑप्शन दे रही हूँ, सो कौन सा वाला सिलेक्ट करेगी? ओके तो हम लोग अभी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो मैं फटाफट से टिकट बुक कर लेती हूँ और हम लोग चलते हैं अभी मूवी के लिए। सो गाइस राइट नाउ हम लोग पहुँच चुके हैं थिएटर और अभी हम लोग की 10-15 मिनट्स में हम लोग की मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग फटाफट से हमारी जो स्क्रीन है वो चेक करते हैं, जो सीट बुक की है हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं और बैठ जाते हैं हमारे सीट पर। राइट नाउ शाम हो चुकी है, सो शाम के नाश्ते के लिए मैंने इसके लिए दो ऑप्शंस रखे हैं, तो देखते हैं ये क्या सिलेक्ट करती हूँ, दोनों में से एक कुछ सिलेक्ट कर। मोमोज, चलिए हम लोग मोमोज ट्राई करते हैं। सो गाइस मोमोज खाने के लिए हम लोग जो है पहुँच चुके हैं मीरा रोड के खाऊ गली में, जो एग्जैक्टली रसास मॉल के ये पे है, सो हम लोग वेट करें यहाँ से हम लोग का मोमोज आने के लिए।
चलो लेट्स सी वो कैसा आता है। सो गाइस राइट नाउ हम लोग ने यहाँ पे जो मोमोज है वो मंगा लिया है और वो आ चुका है। हम लोग ने मंगाया यहाँ पे चिकन फ्राइड मोमोज, वो लोग हमें ये मेयोनीज और ये शेजवान सॉस के साथ सर्व किया है। सो लेट्स ट्राई दिस। सो गाइस हम दोनों भी यहाँ पे अभी बैठ के मोमोज खाने वाले हैं। फ्राइड मोमो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। कैसा लग रहा है मोमोज? बंद करो वीडियो। सो गाइज फॉर द डिनर हम लोग यहाँ पे न्यू शाही रेस्टोरेंट में आए हैं। सो दिस इज़ देयर मेन सर्विस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। शाही होटल में पहले भी आई हूँ बट तभी ऐसा कुछ एम्बियंस नहीं था, अभी ये लोग ने एम्बियंस चेंज किया है विच इज़ लुकिंग रियली वेरी नाइस। सो गाइज राइट नाउ इट इज़ डिनर टाइम, तो मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, जो वो सिलेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंगली हम डिशेज मंगाने वाले हैं। सो कौन सा वाला? नॉनवेज। चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा सिलेक्ट किया तूने। मैं हुई अच्छी। सो गाइस राइट नाउ डिनर के लिए सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे मंगाया ये चिकन क्रिस्पी। वाओ जस्ट हैव अ लुक, दिस इज माय फेवरेट। सो गाइस राइट नाउ हम लोग ये चिकन क्रिस्पी आ चुका है, हम टेस्ट करने वाले। तो सबसे पहले बर्थडे गर्ल खाने वाली है। कैसा लग रहा है? चलो मैं भी खाती हूँ। मैं तो ये बड़ा वाला पीस खाऊंगी, ये बड़ा वाला पीस। तो अभी परी भी यहाँ पे आ गई है हम लोग के साथ डिनर करने के लिए। परी खा रही है चिकन क्रिस्पी, कैसे लग रहा है परी? तो पानी दो ना। ये तो परी का बहुत फेवरेट है ना। परी कैसा लग रहा है तुझे चिकन खा के? पर तुम लोगों ने चिकन क्रिस्पी क्यों मंगाया? देवी आई है ना? नहीं आई अभी तो टाइम है। कहाँ पे आई? सो गाइस नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे मंगाया ये चिकन लॉलीपॉप मसाला ड्राई। चलो तो हम लोग खाते अभी सर्व कर। तो अभी हम खा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस, यम्मी है, खा के दिखाओ। अभी सोनल का बर्थडे केक आ गया है, मोटू सोनल का। लाइट चली गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनल, हैप्पी बर्थडे टू यू। That's all about today's video. आप लोग का मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।